हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे बता सकता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अस्मार्ट कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1, प्रश्न 2। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, आप सबने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना होता। युग्म मतलब जो दो जोड़े दिए गए हैं, जोड़, इनका क्या निकालना है? HCF और LCM ज्ञात करना, और निकालने के बाद की जाँच करनी है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। मतलब जो दो संख्या दी गई 26 और 91 की गुणा हम करेंगे तो जो हमारा HCF और LCM आएगा उन सबका जोड़ बराबर होना चाहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं। 26 और 91 का अभाज्य गुणनफल निकालना है। दो से का 13 26, 13 कम 13, 13 91, 7 कम 7, 26 लेंगे, 2 13 91 बराबर में 7 पहले लिख लीजिए या 13, आगे भी से आप लिख सकते हैं। आइए पहले HCF निकाल लेते हैं। इसका HCF क्या होता है? अभाज्य गुणन की सबसे छोटी घात का गुणा हो वह HCF होता है। जैसे 26 और 91 दो कॉमन है संख्याएं, 13 और 13, इसका सबसे न्यूनतम घात क्या है? 13। LCM क्या होता है? LCM अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घातों का गुणा होता है। 2 लेंगे 7 और 13, 3 गुणा कर दो, 14 गुणा 13 से करेंगे तो आएगा हमारा 182। हमको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल जिसका HCF और LCM के बराबर हो। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीपल में LCM। पहली संख्या को क्या देखिए, 26, दूसरी संख्या 91, 26 गुणा 91, HCF ने क्या निकाला? 13 है, LCM 182, 26 गुणा हम आई 26 गुणा करते हैं। यहाँ पर आप लाइन डाल कर सकते हैं, ये 26 का इसके गुणा करेंगे तो आकर 2366। सेम इसकी गुणा से करनी है, 82 में 13, 2366 मतलब ये सही आंसर है इसका। आइए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। प्रश्न 2 का सेकंड पार्ट, पाँच सौ दस और बानवे का अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। ये इसे 2 से भाग करेंगे क्योंकि इसका एकाएं 0 है। 2 2 4, 1 क्या रह गया? 11 हो गया। 2 5 10, 1 क्या रह गया? 10 हो गया। 2 5 10, इसे हम 5 से भाग करेंगे, 5 5 25, 5 1 5,
वैसे तीन से भाग करेंगे, तीन एकम तीन, दो कैरी, 21 हो गया, तीन सत्ते 21, इसे 17 होगा, 17 एकम। जब तक एक नहीं आता तक करते रहते हैं। 92 का 200 करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 200 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 23 पार में आता है, 23 एकम 23, 510। SCF निकालना, इसका SCF आवाज गुणों का सबसे लघुत्तम घात, 2 LCM अधिकतम घात, आवाज गुणों का अधिकतम घात, 2 2, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। अब इन सब की गुणा करेंगे तो हमारा आपका आंसर आएगा, तो आपका 23460, ये आपका LCM है। जांच करनी इनको, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में SCF इनटू में LCM। पहली संख्या हमको दे रखी है 510, दूसरी संख्या 92, SCF हमारा था 2 LCM 23460। आप इन दोनों नंबर की गुणा करिए, गुणा आप सबको आती होगी, इन दोनों नंबर की गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 46920, 46920, ये आपका आंसर है। सेकंड का थर्ड पार्ट आप करिए, ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं आता कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इस पर वीडियो बनाकर दे दूंगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।